नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा है। दरभंगा में सोमवार देर रात कोसी नदी का बांध टूट गया, इससे 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने पश्चिम चंपावत जिले में 8 प्रखंडों के 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक बंद कर दिया है और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सुपौल और पश्चिमी चंपावत के इलाके में पड़ा है। अररिया में भी बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया। वहीं बाढ़ को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार सतर्क है, प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है और भारत सरकार ने भी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एकजुट है और हम इसका समाधान निकालेंगे। उधर राजस्थान में रविवार को झालावाड़, बारान, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई। प्रदेश में तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। IMD के मुताबिक राजस्थान में सोमवार से बारिश रुकने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में इस साल मॉनसून कोटे से 18% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सामान्य 37.3 इंच के मुकाबले 43.9 इंच पानी गिर चुका है। 10 जिले तो ऐसे हैं जहां बारिश का आंकड़ा 50 इंच के पार हो चुका है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में 30 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 2 से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है और इन राज्यों में बिजली गिरने की भी संभावना है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है, लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है, कल DPR भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नजर है, सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो वहां सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी।